वर्ष 2024 में दिगंबर जैन मुमुक्षु समाज के कुल 11 पंच कल्याणकों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 6 मार्च से मध्य प्रदेश के विद्वानों की नगरी खरैड़ी एवं 1 से 6 दिसंबर तीर्थधाम चुदायतन हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक होना निश्चित हुआ है। वर्ष 2024 जनवरी माह का मंगलमय शुभारंभ स्वर्णपुरी सोनगढ़ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव से हुआ, जिसमें छिंदवाड़ा सहित संपूर्ण विश्व के हजारों जिनवाणी तत्व रसिक जिन शासन सेवक मुमुक्षु भाई बहनों ने आध्यात्म की गंगा में स्नान किया। जिन शासन सेवक दीपक राज जैन ने बताया कि वर्ष 2024 में पूरे देश में दिगंबर जैन मुमुक्षु समाज के कुल 11 पंच कल्याणक होना है, जिसमें 6 मार्च से मध्य प्रदेश के विद्वानों की खरैड़ी एवं 1 से 6 दिसंबर तीर्थधाम चिदायतन हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक होना निश्चित हुआ है। इस बार 2024 में सकल मुमुक्षु समाज के लगभग 11 पंच कल्याणक हो रहे हैं और इसी मंगल प्रवचन पर हमने तीर्थधाम चिदायतन हस्तिनापुर जिसका पंच कल्याणक अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 1 दिसंबर से 6 दिसंबर तक होने जा रहा है, जिसके लिए हमने भाई हमारे स्वप्निल जी हैं, अशोक जी लोहाड़िया जी हैं, किरीट गोशालिया जी हैं, निमेश भाई और पूरे ट्रस्टियों सहित जितने हमारे मुमुक्षु समाज के आदर स्तंभ हैं, उन्होंने आज सकल मुमुक्षु समाज को यहाँ पर आमंत्रित किया। स्वप्निल जी का कहना है कि चिदायतन ऐसा एक तीर्थ बन रहा है जो विश्वमय एक जिन शासन की गौरव गाथा गाएगा, जिसका मंगलमय आमंत्रण स्वर्णपुरी सोनगढ़ में चिदायतन के समस्त ट्रस्टियों के साथ अलीगढ़ से स्वप्निल जैन, मुंबई से निमेश भाई द्वारा दिया गया। आमंत्रण के दौरान देहरादून से वीणा जैन ने मंगलाचरण कर गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के उपकारों को याद किया। जैन फोकस के लिए हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश से दीपक राज जैन की रिपोर्ट।